मान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप एंड प्रे कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं बहुत दूर, तो आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूंगी इंशाल्लाह। उसके लिए हम कुछ तैयारी शैयारी पहले कर लेते हैं क्योंकि लंबे सफ़र पर जाने के लिए कुछ आपको ठीक तरीके से अपनी तैयारी भी करनी होती है। और मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे बहुत दूर सफ़र पे जाने के लिए मैं कहती हूँ कि मतलब आपके पास सामान बहुत कम होना चाहिए। क्योंकि ये एक टिप भी है आप लोगों के लिए, अगर आप कहीं सैर पे जा रहे हैं या आपकी किसी भी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास सामान बहुत कम होना चाहिए। क्योंकि आपके पास सामान जिस कदर कम होगा आपको टेंशन उतनी ही कम होगी, ठीक है। जितना आपके पास सामान ज़्यादा होगा आपको पहले सामान को कवर करने की टेंशन, फिर ये टेंशन कि हम इसको कहां रखेंगे, कहां उठाएंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए जनाब आप अपने हमरा सामान बहुत कम रखा करें। तो मैं आज कहां जा रही हूं, मैं आज जा रही हूं एक शादी पे, ठीक है। उसके लिए मैंने अपनी सारी तैयारी शैयारी जो है पैकिंग वगैरह वो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट कर ली है। आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूं और आप लोगों को टिप भी देती हूं कि आप लोगों ने कैसे शादी पे जाने के लिए बहुत मिनिमम सा सामान आप अपने साथ कैसे रखें। क्योंकि जब हमने शादी पे जाना होता है तो हम औरतों को ये होता है कि ये जोड़ा मैं रात को पहनूंगी, ये जोड़ा मैं दिन को पहनूंगी, ये मेहंदी पे पहनूंगी, ये माइयों पे पहनूंगी, ये बाद में पहनूंगी, ये पहले पहनूंगी, तो ऐसे हालात होते हैं, ठीक है। तो मैं जनाब मैं बहुत कम सामान अपने साथ रखती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने गर्मी इतनी शदीद हो गई है ना जनाब लाहौर में, तो आपकी सोच ही होगी, ठीक है। मैंने अपना ये लॉन का एक ड्रेस जो है ये मैंने निकाल लिया है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है गर्मी, तो इस वजह से हम लॉन का ड्रेस पहन के जाएंगे। और सामान जो मैंने साथ लेके जाना है वो मैंने पैक कर लिया है, वो मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपने साथ बहुत कम सामान तैयार लेके जाना है। अच्छा जी, मैंने कहा सबसे पहले मैं आप लोगों को जो इधर वाले रूम में सामान पड़ा है, नमाज तो नहीं कोई पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा, ठीक है। सबसे पहले जो अभी मैं आ गई हूँ इस रूम में, इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो सबसे पहले हमने जाना है बारात पे जाना है। आज बारात ही है, हम बारात पे जाएंगे, मेहंदी पे हम नहीं गए क्योंकि मेहंदी पे जनाब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, इतने दिन हमारे पास नहीं थे। इस वजह से हमने ये सोचा कि आज बारात नाइट है तो हम अभी चले जाते हैं और कल दिन में वलीमा है, वलीमा अटेंड करके हम अपने घर वापस आ जाएंगे। तो चलें सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी तैयारी। इधर मेरी सिस्टर की तैयारी है, सबसे पहले भाई ने भी साथ जाना है, सिस्टर के हस्बैंड ने, ये उनके कपड़े हैं, उन्होंने भी यही डिसाइड किया है कि आज मैं जो कपड़े पहन के जाऊंगा मैं उसी उन्हीं कपड़ों में अपना फंक्शन अटेंड करूंगा और कल के लिए मैं सिर्फ अपना एक ड्रेस साथ लेके जाऊंगा, ठीक है। और ये उनका कल का है कपड़े और ये आज वो पहन के जाएंगे और कह रहे हैं कि मैं इसी में अपना फंक्शन अटेंड करूंगा, ठीक है। ये है जी मेरी सिस्टर का ड्रेस जो कि उसने सोचा है कि वो कल को पहनेगी, कल डे फंक्शन है तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट है इसलिए वो ये कल दिन में पहनेगी। इंशाल्लाह खोल के भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, ये बहुत ज़्यादा हैवी है इस वजह से। और एक ये है ये सॉरी कप ये जो पैकेट है ये तो किसी और सूट का है और ये इसका सूट है आज का, इसका कलर थोड़ा सा डार्क है तो शी डिसाइडेड कि मैं डार्क कलर रात को पहनूंगी। और अब मैं आप लोगों को अपने दिखा देती हूँ, चले मेरे ना ज़रा दूसरे रूम में पड़े हैं, मैं उधर जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मैंने अपना बैग पैक करके रख लिया है और ये कुछ मेरे क्लच हैं, ये ऑल्डो का है और ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, ये देखें। और ये कुछ मेरा दुपट्टे हैं और ये है जी जनाब हिजाब कैप। और सूट मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने सूट कौन सा रखा है, ये वाला सूट है जो मैं आज पहनूंगी, ये देखें। इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क है
तो ये रात को अच्छा लगेगा पहना हुआ। आज नाइट फंक्शन है, सो इस वजह से मैंने एक सिर्फ अपना ये सूट रखा है, और कुछ मेरे पास बहुत मिनिमम सा मेकअप का सामान है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये बस ये थोड़ी सी बीबी क्रीम है, ये मैं अपनी मदर के लगाती होती हूँ। और ये है जी मेरा प्राइमर, ये है मेरी फाउंडेशन, और ये है ब्लश ऑन। बस ये मेरी कुछ इसमें ही ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई है, और ये थोड़ा सा आपने अगर आईज़ पे कुछ करना है, और ये है जी मेरा कंसीलर। मेरा मेकअप बैग जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इसलिए अभी मैंने शॉपर में ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कोई बात नहीं, मैंने कौन सा किसी को दिखानी है आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप तो मेरी फैमिली ही हैं। और ये मेरी कॉन्टोरिंग किट है, और ये भी एक बेस है, और बस ये मेकअप लिपस्टिक ब्रश है। ठीक है, ये है जी मेरी पूरी तैयारी। और शूज़ मैंने आज जो पहनने हैं, होपफुली के मैं मेहंदी पे भी वही पहन लूँगी जो कि मैंने यहाँ से पहन के जाने हैं, नहीं तो शूज़ भी चलो निकाल ही लेते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जी मैंने शूज़ निकाले हैं, ये मैं आज मेहंदी पे पहनूंगी। ये देखें कुछ, सॉरी सॉरी सॉरी, आज बारात है, मेहंदी पे तो गए ही नहीं हम लोग। और ये देखिए, ये जो मैंने आप लोगों को ग्रीन वाला सूट दिखाया है, ये मैं उसके साथ पहनूंगी। स्टाइलो से लिए थे मैंने, इसकी हल्की सी हील है, ये भी अच्छे लगेंगे। और चलें जी अब हम अपनी बाकी तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ये देखें जी, वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह सामान हो गया हमारा पैक, और अब हम इसको गाड़ी में शिफ्ट करते हैं। यहाँ से अभी हम यहाँ पे रख लेते हैं सारा सामान, अंदर से भी यहाँ पे रख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे अगर सारा सामान रखा हो फिर आपको गाड़ी में रखने के लिए आसानी होती है। मोस्टली ऐसे होता है कि हम सामान ऐसे ही उठा उठा के गाड़ी में रखते रहते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि जी आधा सामान तो हम छोड़ ही है। यहाँ पे देखें जी कुछ शेविंग का सामान पड़ा हुआ है। शेई आर यू रेडी? ओके, बस अब मैं रेडी हो जाऊँ नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी ये मेरे कपड़े चलें जी, अब नहा के कपड़े पहन लेते हैं, और ये इस्त्री तो उतारे जनाब, इस्त्री भी ऐसे। चलें जब मैं तैयार होती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, ये मेरी एक क्लाइंट बैठी है मुझसे फेशियल कराने के लिए, और उनको हम मना रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि हम चार्जेस भी कम कर देंगे आप भी करवा लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं वो कह रहे हैं एक ऑलरेडी के साथ एक फ्री होना चाहिए। हाँ तो अपना ये देखें, ये इसका डर्माशाइन का कर रही हूँ, इसका बहुत 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 अच्छा रिजल्ट है। मैंने अपने चैनल पे अपनी वीडियो में मैंने इसका प्रॉपर रिव्यू भी किया हुआ है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फेशियल है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। और अभी हम यहाँ पे करेंगे, रात को मैंने अपनी क्लिनजिंग वगैरह कर ली थी, और अभी बस बाकी भी बहुत सारी तैयारियाँ रहती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं पहले ये कह लूँ और फिर अपने कपड़े वगैरह रखते हैं। मेरा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है, अभी हम लोग घर से निकले हैं, और अभी देखते हैं एक दो चीज़ें लेनी है, और फिर इंशाल्लाह बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये देखें सामने ग्रैंड मॉस्क, सफ़र शुरू करने से पहले KFC तो बनता है। वैसे भी दोपहर का टाइम है और हमें जाते जाते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाना है, नाइट फंक्शन है, और मुझे तो भूख भी लग रही है अभी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम पहले कुछ ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे और आराम से फिर जाएंगे। देखें जी खाना हमारा,
बस अब थोड़ा सा रह गया है। मोटरवे से आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो मोटरवे ने बहुत 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 आसानियां कर दी हैं हर सफ़र में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह हम फैसलाबाद पहुंच चुके हैं, फैसलाबाद टू प्लाजा पे। बस अब घर चलते हैं और इंशाल्लाह जाते हैं, शादी की तैयारी करते हैं।